आनंद भाग 9। जब सिद्धार्थ गौतम थे और बुद्ध नहीं बने थे, उस पीपल के पेड़ के नीचे बहुत कुछ हुआ। सिद्धार्थ गौतम ने जो विपस्सना साधना और मेडिटेशन किया, वो सारा अपने शरीर पर किया, अपने काया पर किया, अपनी बॉडी पर किया। जैसे कोई मनुष्य जब उसके पेट में दर्द होता है तो उसको आभास होता है कि उसके पेट में कुछ हो रहा है और इसको दर्द कहते हैं, तब वो दर्द को महसूस करता है। दर्द कहीं दिखाई नहीं दे देता, वो सिर्फ वेदनाओं में, संवेदनाओं में, या जो फीलिंग्स होती हैं या वेव्स होती हैं उससे महसूस होता है, उससे पता चलता है। उसकी तीव्रता यानी उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई है, कितनी लो है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, इससे पता चलता है कि दर्द कम है या ज़्यादा है, पेन कैसा है। सिद्धार्थ गौतम ने जो अपनी बॉडी, अपनी शरीर पर, अपने हार्डवेयर पर जो इन्वेस्टिगेशन की, जो शोध किया, जो एनालिसिस किया, तो उन्होंने अपनी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स को और भी छोटा देखते हुए अपने मन से, और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरंगों तक भी पहुंच गए। यानी उन्हें ये पता चल गया कि सारा बॉडी यानी सारा हार्डवेयर, सारा कंपितो कंपितो, तरंग ही तरंग, वेव्स ही वेव्स हैं, ठोस इसमें कुछ भी नहीं है, लगातार हिलता रहता है। ये बाद में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इसको डिस्कवर किया कि जितना भी मटेरियल है यूनिवर्स में वो सब वेव्स ही वेव्स है। सारे मटेरियल छोटे छोटे पार्ट से, एटम से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं जो हिलते रहते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे जब सिद्धार्थ गौतम कन्वर्ट हो रहे थे बुद्ध में, यानी उनको नॉलेज प्राप्त हो रही थी, तो सबसे पहले उनको जो उनके पुराने वर्जन हैं, जैसे कंप्यूटर के और मोबाइल के पुराने सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं, आपने देखा होगा कि पहले मोबाइल जब आते थे तो उसमें स्क्रीन नहीं होती थी, छोटी सी मेमोरी आई, फिर बाद में बड़ी मेमोरी आई, फिर अब तो 64 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 512 GB, बड़ी बड़ी गीगाबाइट्स के, टेराबाइट्स के मोबाइल और लैपटॉप आने लगे हैं। यानी मेमोरी का दायरा बढ़ने लगा है। ह्यूमन की मेमोरी यानी ह्यूमन का जो हार्डवेयर है उसकी तो मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, उसके माइंड के अंदर जो मेमोरी का स्टोरेज है उसमें कंप्रेस्ड फाइल बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कोई डाटा बैंक किसी कंपनी का है, जैसे गूगल का है, जैसे यूट्यूब की सारी वीडियो कंप्रेस्ड करके, प्रेस करके एक डाटा स्टोर में रहती हैं, आप जब चाहें उसको खोल सकते हैं, ठीक वैसे ही। तो बुद्ध ने अपने सॉफ्टवेयर यानी अपने मन के थ्रू अपने हार्डवेयर में रखी हुई जितनी मेमोरी थी, पुराने वर्जन थे, ओल्ड वर्जन्स थे, ह्यूमन के ओल्ड वर्जन्स, एक सेल से लेकर मल्टी सेल और मल्टी ऑर्गन तक जो ह्यूमन बना है, वो सारे उन्होंने देखे, सारे अनुभव किए, सारे फील किए, और अपनी मेमोरी के पुराने वर्जन भी उन्होंने खोल लिए। जब अपनी मेमोरी के पुराने वर्जन्स में गए तो वहाँ जो जो घटित हुआ, जैसे जैसे हुआ, जो अनुभव हुआ, वो जान गए। बाद में फिर और भी कुछ बातें हुई उस पेड़ के नीचे और वो सम्मासम बुद्ध बन गए। यानी कि सम्मासम का मतलब है कि बिल्कुल ठीक और पूरे जानकार हो गए, बोधि वाले हो गए। वो अक्सर अपनी बातें, क्योंकि आनंद उनके मैनेजर थे, भाई थे, साथी थे, सखा थे, सेवादार थे, पीए थे, असिस्टेंट थे, उपस्थाक थे, तो अधिकतर बातें वो अपनी आनंद से शेयर किया करते थे, साझा करते थे, अपनी बातें बताया करते थे कि क्या बोधि वृक्ष के नीचे हुआ और क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे क्या घटित हुआ। तो उन्होंने आनंद को बताया कि आनंद, जो पुराने बोधि प्राप्त लोग थे यानी जिनको बुद्ध कहते थे,
उनके ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुए, ऐसी ऐसी बातें हुई, ऐसे ऐसे सब हुआ। आनंद ध्यान से सुनते थे क्योंकि आनंद की मेमोरी बहुत अच्छी थी। आनंद ने ध्यान दिया कि बुद्ध ने, भंते ने, तथागत ने, भगवान ने सब कुछ बताया, मगर ये नहीं बताया कि पुराने जो बोधि प्राप्त लोग थे, जो बुद्ध थे, वो उपोषत कैसे करते थे। उपोषत क्या होता है? उपपोषत यानी उपपोषण, यानी कि जो आप आहार ले रहे हैं, आप फूड ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं अपने शरीर के चलाने के लिए, और एक्स्ट्रा जो खाना लेते हैं, जो बादाम, काजू, किशमिश वगैरह खाते हैं अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए, उसको भोजन कहते हैं, उपपोषण कहते हैं, उपपोषण कहते हैं। मगर मन का जो खाना है, मन को कैसे साफ करें? अगर एक बार आपका मन विपसना साधना से साफ हो गया है, अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, तो गंदगी उसमें आती रहती है, तो उसके लिए उपपोषण चाहिए, यानी कि उसको पोषण चाहिए लगातार, उसको पुष्ट करने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए, ताकि मन दोबारा से ना भटके और साफ रहे। तो समय समय पर भगवान बुद्ध ने एक प्रणाली, एक टेक्निक बनाई कि हर 8 दिन के बाद में उपोषण होगा, यानी कि अष्टमी जो आती थी, जिनको अष्टमी बोलते हैं, दोनों अष्टमियों पे, और अमावस जो होता है, जो ब्लैक मून होता है, और जो फुल मून होता है, यानी पूर्णमासी, जब मास पूर्ण होता है, चंद्रमा पूरा होता है, महीने में 4 बार आपको उपोषण करना है। उपोषण फुल डे की एक्सरसाइज, यानी पूरे दिन की एक एक्सरसाइज होती है, बॉडी की और माइंड की, ब्रेन की नहीं, माइंड यानी मन की और बॉडी की। बॉडी में वहाँ साधना में स्थिर रहते हैं और माइंड को समता में लेके आते हैं, और जो सीखा है उसको पुष्ट करते हैं कि हमें पाप से और जितना भी गलत काम है उससे दूर रहना है, ऐसा मजबूत करते हैं। हर 7वें दिन, हर 8वें दिन उपोषण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भंते, तथागत, पुराने जो बोधि प्राप्त लोग थे, बुद्ध थे, क्या वो उपोषण करते थे? उनका कितना समय होता था? भगवान बुद्ध भंते कहते हैं कि पुराने समय में लोग 7 साल में एक बार अपने मन को साफ करते थे, उपोषण करते थे, बाद में 6 साल में करते थे, फिर 1 साल में करने लगे, फिर 6 महीने में करने लगे। 6 महीने में एक बार वो साफ करते थे तो उनका मन साफ रहता था, यानी कि बहुत ज़्यादा शुद्ध लोग थे, अच्छे लोग थे, प्योर लोग थे। अभी तो पाप कर्म इतना ज़्यादा आता है कि रोज़ सुबह शाम 1-1 घंटे सफाई करें विपसना साधना से, तब मन साफ होता है आम आदमी का। क्योंकि ये जो धम्म है, ये सनातन धम्म है, पहले से चला आ रहा है, सनंतनों बोलते हैं, ऐस धम्मो सनंतनों। धम्मपद के जो सीरियल नंबर 5 है, उसमें जो गाथा है, जो उसमें स्टैंजा है, जो उसमें पद है, आयत है, उसमें ऐस धम्मो सनंतो करके, सनंतनों करके बताया हुआ है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद, जितने भी बुद्ध हुए हैं उनकी सबकी जो शिक्षा है, यानी कि शिक्षा है या शासन है, शासन का मतलब जो पढ़ाते हैं सिलेबस या कोर्स, यानी जो सारी सारी शिक्षा है, शिक्षा है, सिलेबस है और पैटर्न है, वो सबका सेम है। जो भी बुद्ध अब तक हुए हैं, मैं भी बुद्ध हूँ और जो भी बुद्ध आएंगे, वो एक ही बात पढ़ाएंगे, एक ही तरीके से पढ़ाएंगे, उनके पढ़ाने का सब कुछ सिस्टम एक ही होगा, बात भी एक ही होगी। आगे कहते हैं कि आनंद, जो भी कोई बुद्ध आएगा वो कहेगा सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनं। ये धम्मपद में भी 183 में बुद्ध भगवान में आया हुआ है। सब पापस अकरणं, यानी कि जितने भी पाप हैं, सारे पाप हैं, वो नहीं करने चाहिए। कुशलस्य उपसंपदा, संपदा मतलब संपन्न करने चाहिए। क्या करने चाहिए? जो कुशलस्य हैं, जो कुशल कार्य हैं, उनको संपन्न करना चाहिए, उनकी संपदा करना चाहिए, उनको इकट्ठा करना चाहिए। सचित्त परियोदपनं,
सहचित का मतलब है सह माने होता है निज यानी अपना, चित्त माने होता है मन। परियोदोपनन का मतलब होता है शुद्ध करना चाहिए, परिशुद्ध करना चाहिए, यानी कि बुरे काम ना करें, सभी अच्छे काम इकट्ठे करें और जो पुराने बुरे काम हैं मन के अंदर उनको साफ सफाई करके हटाना चाहिए। ऐतंग बुद्धान शासनंग, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है, एजुकेशन है। बाद में कहते हैं खंति परमंग तपो तितिक्खा निब्बानंग परमंग वदंती बुद्धा नहीं पबज्जितो पैरूप घाती न समणो होती परंग विहेट यंतो। खंती परम तपो तितिक्खा, खंती का मतलब होता है सहनशीलता, परम तपो माने सबसे ऊंचा तप और साधना है, और तिथिक का माने होता है क्षमाशीलता, यानी सहनशीलता और क्षमाशीलता ये दो गुण परम तप होते हैं। निब्बानंग परमंग वदंती बुद्धा, अब बुद्धा क्या बताते हैं सारे बुद्ध, निब्बान परम होता है यानी कि साल्वेशन जो होता है दुखों से छुटकारा जीत जीते जी, जिसको निब्बान बोलते हैं, संस्कृत भाषा में निर्वाण बोलते हैं, वो परम होता है, सबसे ऊंचा होता है, ऐसा सारे बुद्ध बताते हैं। न ही पवज्जितो पैरूप घाती, पैरूप घाती का मतलब है पूरी तरह से, रूप माने शरीर और बॉडी, और घाती माने घात करने वाला, खत्म करने वाला, मारने वाला, यानी कि जो रूप को शरीर को मारता है, हिंसा करता है, न ही पवज्जितो, वो वास्तव में पवज्जित नहीं होता, यानी कि वो साधना में नहीं आता, साधना के लिए नहीं आता, जो दूसरों पे घात लगाता है शरीर पे पूरी तरह से। न समणो होती परंग विहेट यंतो, और समण नहीं होता वो व्यक्ति जो दूसरों को हेट करता है, सताता है, कहते हैं ना ये बड़ी हटीली है, ये बड़ा हट करता है, हट माने गलत बात होता है, पाप होता है, गलत व्यवहार होता है, कह रहा ये हट कर गई या ये हटीला है भाई, उसने हट पकड़ ली, यानी कि अगर कोई किसी दूसरे को सताता है या गलत तरीके से व्यवहार करता है तो वो समण नहीं हो सकता। समण का मतलब है भारत का मूल निवासी, जो बुद्ध के समय बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करता था, उसको समण कहते हैं। और जो पर्वत के उस पार से आए थे सफ़ेद लोग, सफ़ेद लोगों को अश्वेत बोलते हैं, अश्वेत का मतलब है जिनमें रंग ना हो, रंगहीन, अवर्ण बोलते थे उनको, अवर्ण यानी वर्ण माने रंग होता था, अवर्ण जिनमें रंग ना हो, रंगहीन। और भारत के लोग काले होते थे, सांवले होते थे, पक्के रंग के, गेहूं जैसे, गोल्ड जैसे, हिरण जैसे, उगते सूरज जैसे, उनको बोलते थे सवर्ण, यानी कि रंगदार, रंगहीन यानी रंगीन लोग, जो रंग वाले हैं, पक्के रंग के काले लोग, जिनको सवर्ण बोलते थे। अवर्ण माने जिनमें रंग नहीं है, और सवर्ण माने जिनमें रंग है। बाद में इसको वर्ण कर दिया, आधा रे लगा दिया, पाली में आधा रे नहीं होता, इसलिए पाली में बोलते थे सवर्ण और अवर्ण, और संस्कृत भाषा में बोलते हैं सवर्ण और अवर्ण। ये बेसिक अंतर रहा है जो बाहर से भारत में लोग आए हैं। 13 बार भारत में बाहर से अवर्ण लोग आए हैं, यानी सफ़ेद तरह के, सफ़ेद रंग के लोग आए हैं जिनका रंग नहीं होता था। फिर वो कहते हैं आनंद, अनूपवादो अनूपघातो पाति मोक्षे च संवरो मतयुता च भत्तिस्मिंग पंतंग च सेन आसनंग अधिचित्ते च आयोगो ऐतंग बुद्धान शासनंग। अनूपवादो, अनूपवादो का मतलब है अनुपवादो, यानी कि जो निंदा नहीं करता, वाद नहीं करता। अनुपघातो, अनुपघातो का मतलब है जो घात नहीं करता, यानी घात नहीं करना, निंदा नहीं करना। पाती मोक्षे च समरो, पाती मोक्षे च समरो का मतलब है पातिमुख भिक्कों के लिए होता है, यानी भिक्कू जो अपने आप को पातिमुख जो बोलते हैं उसको नियमावली बोलते हैं, यानी
भिक्खु अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए उनकी सभा होती थी। उस सभा में वहाँ जो जिसने भी कोई नियम के विरुद्ध कोई काम किया है तो वहाँ पर वो उसको स्वीकार करते थे और फिर उसका दंड मिलता था, जैसा भी दंड उसमें तय था पाती मोक्ष के नियम के अनुसार, और फिर वो अपने आप को शुद्ध करता था मन से, और अपना किया हुआ गलत काम खुद ही बताना पड़ता था। तो यानी कि जो भिक्खु अपने आप को संवारता है, ठीक करता है पाती मोक्ष से। मतयुता चे भत्तिस्मिंग, भत्तिस्मिंग का मतलब है भत्ता माने जो होता है, जैसे आपने सुना होगा सरकार ने भत्ता बढ़ा दिया, उसका तो भत्ता बैठ गया, उसका भत्ता आया नहीं। तो भत्त जो बना हुआ है वो भात से बना हुआ है, भात माने आज के समय चावल होता है, खाना होता है, यानी उस समय जब लोग काम करते थे तो उनको भात मिलता था, उस भात से ही बाद में सैलरी बनी जिसको भत्ता बोलते हैं, कि ये भत्ता हमें मिलेगा। और मतयुता चे भत्तिस्मिन का मतलब है कि वो भात की मात्रा यानी खाने की मात्रा का, मत माने होता है जो मात्रा, और अयुता माने होता है जानकार। तो जो खाने की मात्रा का जानकार है, आहार का जानकार है, भोजन का जानकार है, चावल जो खाते हैं उसका जानकार है, यानी बुद्ध ने बताया है कि एक भिक्खु को कितना खाना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा खाता है तो वो साधना नहीं खर्च कर सकता, और अगर कम खाता है तो वो मर जाएगा, उसका शरीर काम नहीं करेगा। तो उसे भत्त की यानी चावल की भोजन की मात्रा का पता होना चाहिए। पे अंतंग चे सेन आसनंग, पे अंतंग चे, पे अंतंग का मतलब होता है पूरी तरह से अंत में, यानी कि प्रांत भी बोलते हैं इसको, कि एकांत में यानी दूर बैठा हो, बिल्कुल अंत में बैठा हो, यानी वो जो भिक्खु है वो अंत में बैठा हो। चे माने और, सेन आसनंग, सेन माने सोना होता है और आसनंग माने होता है बैठना, यानी कि वो एकांत में जाके सोए और बैठे। अधिचित्ते चे आयोगो, अधिचित्ते चे आयोगो का मतलब है कि गंभीर चित्त, अधिचित्त माने जो उसका गंभीर चित्त है। चे आयोगो, आयोगो का मतलब है, अगर हम इसमें योग देखते हैं तो योग माने जोड़ना होता है, और आ लगा दें आयोगो तो इसका मतलब हो गया कि जोड़ने के लिए, और अगर ए लगा दें ए योगो इसका मतलब है कि अयोग हो गया, यानी जोड़ने के काबिल नहीं है। ये पाली का शब्द है जब हम कहते हैं किसी को कि ये योग्य है और ये अयोग्य है, यानी कि जो व्यक्ति है वो जोड़ने के काबिल है या नहीं है या जोड़ता है, तो ये योग से बना हुआ है। पाली में योग का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना। तो जो अपने चित्त को, अपने मन को गंभीर रूप से जोड़े, जोड़ने का मतलब है कि उसको एकाग्र करे, उसको इकट्ठा करे, उसको ठीक करे, उसमें से पाप निकाले, जो इधर उधर उसका मन और चित्त भटकता है उसको रोके। एतंग बुद्धान शासनंग, यही बुद्धों का शासन है। ऐस धम्मो सनंतनो, यही सदा से चला हुआ आया बुद्धों का धम्म है, शासन है, यानी भगवान बुद्ध का। जब आप सनातन की बात करते हैं कि सनातन धम्म क्या है, तो यही सनातन धम्म है जो बुद्ध ने दिया, कि सारे पाप कर्म आपने हटाने हैं, सारे अच्छे काम करने हैं, जो पुराने पाप कर्म हैं उनको पूरी तरह से आपने धोना है, निकालना है, जड़ से ख़त्म करना है। यही सनातन धर्म है, यही बुद्धों की शिक्षा है, यही उन्होंने बताया है। आनंद को ऐसा उन्होंने बताया क्या होता है सनातन धम्म, यही सनातन धम्म है। सनातन जो शब्द है, सद है, वो भगवान बुद्ध की धम्मपद और उन्हीं के द्वारा आया है। दुनिया में कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो बदलता ना हो, मगर जो सनातन नियम दिया भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने, वो कभी नहीं बदलता। जब तक मनुष्य रहेगा तब तक वो पाप कम और जो पुण्य कम है, यानी अच्छे जो कार्य हैं और जो खराब कार्य हैं उसमें चलता रहेगा। सनातन नियम ये है, सनातन का मतलब है कि स अंतंग, यानी कि मुझ से आरंभ हो रहा है, स से निज से, और मेरे बाहर तक अंत तक जा रहा है, यानी कि मैं जो हूँ
व्यक्ति हूँ, जो मैं पुरुष हूँ या जो मैं मानव हूँ, मेरे अंदर से वो काम कर रहा है सारा और पूरे यूनिवर्स तक जा रहा है। इसको से अंतन अनंतंग बोलते हैं। से माने निज और अनंतन माने बहुत अंत तक, यानी कि जिसकी कोई लिमिट ना हो वहाँ तक जाता है। तो मेरे से आरंभ होता है, मेरे अंदर से आरंभ होता है और बाहर तक जाता है। नियम वही है, सारे जितने भी यूनिवर्स है उनका एक ही नियम है और हमेशा रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन का मतलब है सदा से जो आ रहा है, सिंप्लीफाई करके कहते हैं सदा से जो आ रहा है, मगर सदा से जो आ रहा है उसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब पैदा नहीं हुआ और मनुष्य का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जब उसका मन नहीं बना, उसका चित्त नहीं बना, उसकी मेमोरी नहीं बनी, तब भी ये नियम चलता था। जब यहाँ एक भी सेल का कोई जीव नहीं था पूरी यूनिवर्स में, तब भी ये नियम चलता था। पूरी यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगी तब भी ये नियम रहेगा। ये से अनंतंग है, यानी कि इस निज से लेके और अंत तक है, तो इसका मतलब पूरी कायनात और पूरी यूनिवर्स इसमें आती है। कोई रहे ना रहे, ये नियम चलता रहेगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Sarnam Garchami.